हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लेट्स स्टार्ट टूडेज और क्लास एंड यू नो और रनिंग चैप्टर इज यूनिट वन का पार्ट टू है नेहास अलार्म क्लॉक ओके नेहास अलार्म क्लॉक हमारे चैप्टर का नेम है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं देन आफ्टर इसके सम क्वेश्चन आंसर भी हमने रिवाइज किया था देन इसे कंटिन्यू करेंगे इसमें इन अ लेट्स राइट फर्स्ट क्वेश्चन इज Who said these words and to whom? Who said these words and to whom? मीन्स यह वर्ड किसने किससे कहा ओके okay? किसने कहा टू हु ओके फर्स्ट इज बैकअप डियर बैकअप फास्ट बैकअप डियर बैकअप फास्ट दिस किसने कहा यह बैकअप डियर

क्वेश्चन नंबर टू है यूज द हेल्प बॉक्स टू फील इन है। यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स ये सब आपको बेटा पहले कराकर हो चुका है हम इसे रिवाइज कर रहे हैं ओके केयरफुली आपको इसे अंडरस्टूड करना है देन आफ्टर आफ्टर क्लास इसे राइट कर करके देख के लर्न करना है रिमेम्बर करना है ओके डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर यहाँ पर टू हेल्पिंग बोर्ड दी है वॉज एंड वॉर ओके हमें इनका यूज करना है तो इसमें आएगा राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर देन द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड इसमें होगा वर्ड देन माई टॉयज वर ब्रोकिन her frock was too long the market was closed the children were happy and the last the flowers were kept in a wash okay the next is look at the picture

I looked inside the cupboard. I looked under a bed. I could not find it anywhere. Then I called out, "Seru, Seru, my dog came running to me. I asked him to look for my book. He pulled out another book from my bag. Okay." सभी ने ये फिलअप कर लिया होगा और जिन भी स्टूडेंट्स ने फिलअप नहीं किया है वो साथ में फिलअपिंग भी करेंगे ओके okay? हैंड्स में मैं आपको सम एडिटेशन कराऊंगी आपको वो एडिटेशन भी करने हैं देन नेक्स्ट फन टाइम हियर इज अ वर्ड क्लॉक राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक यहां जो है क्या दिए हैं वर्ड क्लॉक दिया है हमें इनसे रिलेटेड वर्ड्स राइट करने हैं क्लॉक से रिलेटेड वर्ड्स राइट करने हैं इस वर्ड क्लॉक में ओके फर्स्ट इज साउंड तो जो क्लॉक है वो कैसा साउंड करती है टेक 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 राइट right? देन अनदर वर्ड क्लॉक जो है इसे और जो है इसका दूसरा वर्ड क्या है हम इसे वॉच भी बोलते हैं डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच दैन आफ्टर इसका यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर जो है क्लॉक का पिक्चर ड्रॉ करना है देन आफ्टर वर्ड इन योर लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज में आप इसे क्या कहते हैं वो राइट करना है सपोज हम हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं तो इसमें घड़ी राइट करेंगे सपोज आप गुजराती में इसे और कुछ कहते हैं घड़ी को तो आप गुजराती में घड़ी को जो भी बोलते हैं वो आप यहाँ राइट कर सकते हैं देन नेम डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स डिफरेंट पार्ट्स राइट करने हैं क्लॉक के लाइक like दिस होता है डायल मिनट्स नीडल आवर मिनट डल आवर निडल सेकेंड निडल अलार्म नंबर्स की ओके ये इस क्लॉक से रिलेटेड वर्ड्स हैं लाइक दिस ये जो होता है इसे डायल बोला जाता है राइट दिस इज डायल दैट मिनट निडल मतलब जो मिनट वाला जो कांटा होता है उसे मिनट मिनट निडल आवर नीडल मतलब जो आवर वाला हैंड होता है उसे आवर नीडल देन सेकेंड्स नीडल जो सेकेंड शो so करता है जो एकदम फास्ट चलता है क्लॉक में वो होता है सेकेंड नीडल देन अलार्म नंबर्स की ये इससे रिलेटेड वर्ड है ओके okay? या फिर इससे डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके वो हमने राइट किया है देन मैक सेंटेंस अब जो इसका यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है तो यहां सेंटेंस बनाया हमने माई क्लॉक हेल्प्स मी टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम माई क्लॉक हेल्प्स मी टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम ओके ये कंप्लीट हो गया है द नेक्स्ट है हियर इज द वर्ड मॉर्निंग मॉर्निंग वर्ड बनाने हैं हमें इसमें ओके नाउ राइट डाउन वर्ड रिलेटेड टू इट अब जो है हमें इस मॉर्निंग से रिलेटेड वर्ड्स राइट करने हैं लाइक दिस इन अ बिफोर पिक्चर पहले वाली पिक्चर में हमने क्या किया था क्लॉक से रिलेटेड वर्ड्स से फिलअप किया था उन्हें राइट किया था राइट right? इसमें हमें मॉर्निंग से रिलेटेड वर्ड्स फिलअप करने हैं लाइक दिस डे लाइट होगा सन रेज मतलब जो मॉर्निंग होती है उसे अभी और क्या कह सकते हैं हम सन रेज देन पिक्चर ड्रा करना है मॉर्निंग का तो सन का पिक्चर ड्रॉ कर देंगे बिकॉज मॉर्निंग में ही सन निकलता है डे में देन मॉर्निंग को हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो इंग्लिश में तो मॉर्निंग कहते हैं देन आफ्टर हम हिंदी यूज़ करेंगे तो सुबह बोलेंगे अगर आप गुजराती में राइट करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में तो आप यहाँ गुजराती में राइट करेंगे देन आफ्टर मॉर्निंग से रिलेटेड वर्ड्स तो चर्पिंग बर्ड्स मतलब मॉर्निंग होती है तो बर्ड्स चर्पिंग करती है बजिंग बीज बीज बजिंग करने लगती है पीपल गोइंग टू वर्क जो पीपल्स है वो अपने अपने वर्क के लिए जाते हैं चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल एंड जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल के लिए जाते हैं देन इससे सेंटेंस बनाना है आई वैकअप अर्ली इन मॉर्निंग आई वैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं देन वर्क बुक में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेहा सलाम क्लॉक को ओके फर्स्ट इज

आंसर इज नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग एट सिक्स ओ क्लॉक राइट मींस जो नेहा के क्लॉक है वो एवरी मॉर्निंग सिक्स ओ क्लॉक को रिंग करती है राइट ना देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू What does Neha do when the clock rings? What does Neha do when the clock rings? Means जब clock ring करती है तब Neha क्या करती है तो हमने जब हमने इस chapter को start किया था तभी starting में read किया था When the clock rings, Neha makes a face and Covering her ears, covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. Means jab clock ring karti hai to jo neha hai wo face बनाती है मतलब बजीब बजीब से से face बनाती है अपने मुंह पे से तेड़ा मिड़ा करती है and covering her ears with a pillow and उस जो अलार्म रिंग करती है तो उसकी आवाज को अनसुना करने के लिए अपने जो उसके जो ईयर्स है उसे पिलो की हेल्प से कवर करती है एंड स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट और जो उसका ब्लैंकेट रहता है वो उसके अंदर अपने आप को कर लेती है राइट देन क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डज नेहा विश वॉट डज नेहा नेहा क्या चाहती है आंसर इज नेहा स्पेलिंग में एम के बाद ई e है ओके एस ओ एम ई टी आई एम ई समाइम इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा करेक्ट करना है अपनी वर्क में आपको क्या करना है आफ्टर क्लास एट फर्स्ट आप इस लेक्चर को केयरफुली सुन लीजिए देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर इसे आपको थोड़ा करेक्ट करना है अपनी वर्कबुक में तो आफ्टर क्लास क्या करेंगे आप क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर ओपन करेंगे अपने चैप्टर नंबर टू अला नेहा सलाम क्लॉक का और जो ये आंसर है इसे थोड़ा ठीक करेंगे आपके थोड़ा अलग राइट किया है उसे इस टाइप से राइट करेंगे गे? नेहा विशेष सम समय के लिए अपना जॉब भूल जाए ओके फॉरगेट इट्स जॉब समाइम देन क्वेश्चन नंबर फोर वॉट हैपन्स टू नेहा क्लॉक नेहा की क्लॉक में क्या होता है नेहा की क्लॉक में क्या होता है तो नेहा क्लॉक रिंग से क्लॉक इन द मॉर्निंग मीन्स जो नेहा की क्लॉक है उसमें छ बजे नेहा की क्लॉक जो है छ मॉर्निंग में छ बजे रिंग करती है राइट इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप अपनी बुक में भी एडिट कर लेंगे ओके आफ्टर क्लास

मतलब जो सन है वो नेहा के रूम में वार्म स्माइल के साथ उसे नेहा को जगाने जाता है देन क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट मैक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे वॉट मैक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे क्या आप एवरी डे सेम टाइम पर उठते हैं अगर सेम टाइम पर उठते हैं लाइक दिस एवरी डे आप सिक्स ओ क्लॉक सिक्स ओ क्लॉक को ही उठते हैं तो एस राइट करेंगे अगर आप नहीं उठते हैं तो नो राइट करेंगे ओके okay? यस राइट करेंगे तो आएगा यस आई गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे ओके देन कंटिन्यू करेंगे नेहाज क्लॉक रिंग्स एट ब्लैंक नेहाज क्लॉक रिंग्स एट ब्लैंक मीन्स जो नेहा के क्लॉक है वो रिंग करती है वैन ऑप्शन ए टू ओ क्लॉक ऑप्शन ए टू ओ क्लॉक ऑप्शन बी फोर ओ क्लॉक option c 6 o'clock option d 8 o'clock tell me dear students what is correct answer neha's clock rings at 6 o'clock option number c is correct answer right then question number 2 what does neha do when the clock rings वॉट डज नेहा डू वेन द क्लॉक मतलब जब क्लॉक रिंग करती है तब नेहा क्या करती है ऑप्शन ए गोज बैक टू स्लीप ऑप्शन बी गैट्सअप ऑप्शन सी थ्रोज अवे द क्लॉक ऑप्शन डी कॉल्स आउट टू हर मदर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गोस ब्लैक टू बैक टू स्लीप मतलब वो फिर से वापस सो जाती है ओके देन थर्ड नंबर नेहा विशेष द क्लॉक उड नेहा विशेष द क्लॉक ओड ऑप्शन ए रिंग्स एवरीडे मतलब नेहा क्या चाहती है कि जो क्लॉक है वो ऑप्शन ए रिंग्स एवरी डे एवरी डे क्लॉक करे ऑप्शन बी फॉर मतलब कुछ समय के लिए रिंग करना भूल जाए या ऑप्शन सी रिंग लेट लेट रिंग करे या ऑप्शन डी नेवर फॉरगेट टू रिंग रिंग करना कभी ना भूले द करेक्ट आंसर इज नेहा विशेष द क्लॉक उठ फॉर गेट टू रिंग समाइम्स मतलब नेहा चाहती है कि जो क्लॉक है वो कुछ समय के लिए रिंग करना भूल जाए राइट ऑप्शन नंबर बी देन क्वेश्चन नंबर फोर नेहा इज हैप्पी बिकॉज नेहा इज हैप्पी बिकॉज मीन्स नेहा हैप्पी है क्योंकि ऑप्शन ए सी इज लेट वह लेट है ऑप्शन बी द क्लॉक रिंग्स एवरी डे जो क्लॉक है वो एवरी डे रिंग करती है ऑप्शन सी सी इज ऑन टाइम वह ऑन टाइम पर है या द क्लॉक फॉल्स डाउन मीन्स क्लॉक गिर जाती है इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर में ऑप्शन नंबर डी मतलब नेहा कब हैप्पी हो जाती है जब उसकी जो क्लॉक है वो गिर जाती है है ना क्लॉक फॉल्स डाउन नीचे गिर जाती है तब वह है राइट देन क्वेश्चन किसने कहा था ऑप्शन ए मदर ने ऑप्शन बी सन ऑप्शन सी बर्ड्स ऑप्शन डी क्लॉक यही हमारे क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है द करेक्ट आंसर इज सी नंबर बर्ड्स राइट नंबर नेहाइल नेहा के रूम को वार्म स्माइल गरम गरम से कौन फील कर देता है ऑप्शन ए बर्ड्स ऑप्शन बी शन ऑप्शन सी मदर ऑप्शन डी क्लॉक तो वार्म स्माइल से कौन फील कर देता है नेहा के रूम को द सन ऑप्शन नंबर बी राइट देन सेवेंथ नंबर देयर इज ब्लैंक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन विच टेल्स यू विच टेल्स यू व्हेन टू वैकअप क्वेश्चन नंबर सेवन देयर इज ब्लैंक इन साइड यू विच टेल्स यू वैन टू वैकअप क्या होती है हमारे अंदर जो हमें बताती है कि हमें कब जो है बैकअप होना चाहिए कब एट करना चाहिए कब स्लिप करना चाहिए ऑप्शन ए अ क्लॉक ऑप्शन बी अ बर्ड ऑप्शन सी एन अलार्म ऑप्शन डी द सन हमने चैप्टर में रीड किया है कि हमारे inside, हमारे बॉडी में क्या होती है वन क्लॉक होती है एक घड़ी होती है जो हमें बताती है कि हमें कब सोना चाहिए हमें कब खाना चाहिए हमें कब जगना चाहिए राइट ये कौन बताता है हमें हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉक होती है वह बताती है ऑप्शन नंबर ए ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर हु सैड दिस वर्ड एंड टू हुम यही जो अभी हमने टेक्स्ट बुक में फिलअप किया वही रिपीट हुआ है ऑप्शन वन नंबर माँ me मी today? माँ आज मुझे किसने जगाया हु सैड नेहा टू हुम मदर नेहा ने माँ से कहा

क्स्ट इज राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हमें इन वर्ड्स की मीनिंग्स राइट करनी थी मैक्स और फेस मीन्स टू पुट सेली और रूड एक्सप्रेशन ऑन योर फेस मतलब अपने फेस के ऊपर एकदम रूडली एंड सीली सामूर्खता पूर्ण जो है एक्सप्रेशन लाना अपने माउथ पर उसे बोला जाता है मैक्स ऑफ फेस मतलब मुंह बनाना है ना देन सेकेंड मटर्स मींस टू स्पीक इन अ लो मतलब बहुत ही धीरे बोलना देन अनफेयर मींस नॉट Each person equally. Then imagine means to see, hear, or think something that is not true. Rush means to move or do something with great speed. Then in a let's learn more. राइट टू राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं इनके टू टू राइमिंग वर्ड्स राइट करने लाइक दिस डे डे का होगा से वे सेकेंड वर्ड इज बी बी का सी मी देन वैक बैक कैक देन चैटर बैटर मैटर देन आउ उाउ कॉट शॉर्ट कॉल ओके इसमें थ्री वर्ड्स में जी एच साइलेंट है ओके द नेक्स्ट इज राइट फाइव वर्ड्स दैट बिगिन विद द बी एंड टी साउंड्स बी एंड टी साउंड से स्टार्ट होने वाले फाइव फाइव वर्ड्स राइट करने फॉर एग्जाम्पल बैक बर्ड इसका होगा बेल ब्लैक बिग ब्रैक ब्रश इनके अलावा भी अदर जो वर्ड्स है जो बी से स्टार्ट होते हैं हम वो भी राइट कर सकते हैं ओके देन आफ्टर टी एग्जाम्पल्स टेल टेंट टॉल यहाँ पर जो थीन राइट किया है इसकी जगह हम टेन राइट कर देंगे ओके ये आप करेक्ट कर लीजिए अपने बुक में थीन जो है वो टी एच से स्टार्ट हो रहा है हमें टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड राइट करने हैं तो यहाँ पर हम टेन राइट कर देंगे ओके ये थीन के प्लेस पे टी एन टेन राइट करना है इसे आप एडिट कर लेना ओके देन थिंक थिंक जो है इसके प्लेस पर भी हम टी एच आई एन के जो थिंक राइट किया है इसके प्लेस पर भी आप टी से स्टार्ट होने वाला अदर वर्ड राइट करेंगे लाइक दिस टेंट राइट कर सकते हैं ओके टीच जो थीम है इसके प्लेस पर आपको टेंट राइट करना है देन ए टीच टेल ओके थिंक के प्लेस पर आपको टी एच आई एन के थिंक के प्लेस पर आपको क्या राइट करना है टीयर राइट कर देना टीई ए आर टीयर ओके देन राइट द साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स राइट द साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एनिमल एंड बर्ड्स के जो है साउंड्स दिए हैं यहाँ पर हमें देन आफ्टर यहाँ पर इनके नेम दिए हैं हमें इनके फ्रंट में इनके साउंड राइट करने हैं ओके लाइक दिस फर्स्ट इज बियर बियर का साउंड होता है ग्रॉल बीज का बर्ज कैमल का ग्रंट कॉक्स का क्रो डव का कू एलिफेंट का ट्रम फ्लाइज का हम फ्रॉक्स का क्रोक माइस का स्क्वेड मंकीस का चैटर आउल्स का हु स्नैक्स का हिस्स ओके ये एनिमल्स एंड बर्ड साउंड है आपको इन्हें मेमोराइज करना है ऐसे ही एज अ जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए ओके

देन वी ब्लैंक प्लेइंग इन द गार्डन यहाँ पर हिंट दी है बिफोर मतलब ये पहले की बात कर रहा है तो वी वर प्लेइंग इन द गार्डन आई वॉज स्टडिंग यू आर वॉकिंग वेरी फास्ट राज एंड जय आर टॉकिंग मतलब टू पर्सन के बारे में इसमें बताया है तो इसमें क्या होगा आर ओके ये जो इज आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है हेल्पिंग वर्क इज एम आर ओके पायल वॉज सिंगिंग ही इज मेकिंग पेपर बोट्स यू वर टेलिंग अ स्टोरी द मंकी वॉज जम्पिंग ऑन द रूट देवर वॉटरिंग द प्लांट्स ओके सेंटेंसेज यूजिंग एंड एंड बर्ड एंड एंड बर्ड कंजशन दिए हैं आपके इन्हें ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है इनकी हेल्प से हमें इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है लाइक दिस फर्स्ट इज केतन वर्क हार्ड केतन डिड नॉट पास देश ओके तो हमें इसमें एंड या बर्ड की हेल्प से इन टू सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो इसे हमने ज्वाइन किया केतन वर्क हार्ड बट नॉट पास द टेस्ट मतलब केतन ने बहुत हार्ड वर्क किया बट वह पास नहीं हुआ बट वह टेस्ट में पास नहीं हुआ देन विनय वेंट होम ही हैड हिज डिनर इसका होगा विनय वेंट होम एंड हैड हिज डिनर देन थर्ड द टीचर कॉल्ड हिज द स्टूडेंट्स सी Told them a story. The teacher called the students and told them a story. Okay, dear students, that is all today, and today is your homework. आज का आपका होमवर्क है नेहास अलार्म क्लॉक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वर्कबुक में पेज नंबर सिक्स में इन पेज नंबर सिक्स एंड पेज नंबर फाइव में वन क्वेश्चन दिया है वो और पेज नंबर सिक्स के सिक्स क्वेश्चन प्लस जो सेवन करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इन्हें आपको मेमोराइज करना है प्लस आपको इसे टू टाइम राइट करना है ओके एंड बिफोर फाइव पी एम सेंड करना है आप इसे लर्न करेंगे टिक द कर जो राइट द करेक्ट ऑप्शन होते हैं इसे तो आप बस लर्न कर लेंगे इन्हें राइट नहीं भी करेंगे चलेगा पर जो क्वेश्चन है पेज नंबर फाइव का वन क्वेश्चन एंड पेज नंबर सिक्स के सिक्स क्वेश्चन ऐसे फाइव क्वेश्चन टोटल मिलाकर सिक्स क्वेश्चन के आंसर आपको मेमोराइज करने हैं एंड इन्हें वन टाइम राइट करके आपको बिफोर फाइव पी एम सेंड करना है ओके दैट इज ऑल टूडे थैंक यू